और अनेक अनेक विशिष्ट अवसरों पर जो आदरणीय बाबू जी के प्रवचन हुए हैं, ऐसे विशिष्ट प्रवचनों के संकलन के माध्यम से वह सीडी हमारे बीच में आई है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई चेतन को, जिन्होंने इस पूरे सीडी के प्रवचनों के संकलन का काम, परिमार्जन परिवर्धन का काम किया है, वे आए। और आदरणीय दादा और हमारी आज की सभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी बड़जात्या, प्रदीप जी चौधरी मुख्य अतिथि, और हमारे विद्वान आदरणीय अनिल जी भाई साहब मुझे नहीं दिख रहे हैं, पंडित अनिल जी शास्त्री भिंड, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारे। अनिल जी भाई साहब, प्रेमचंद जी भाई साहब आए और इसका विमोचन करें, सभी कर्तव्य ध्वनि से इसका स्वागत करें। और मैं संजय जी से अनुरोध करूंगा कृपया चिन्मय जी भाई साहब कृपया आगे आकर के खड़े हों। आदरणीय चिन्मय जी भाई साहब, हेलो, ध्यान देंगे बाबूजी को, बाबूजी के अमृतमयी प्रवचन जिन्होंने सुने, कौन नहीं जानता, जैसे कि झरना बहरा हो अमृत का, ऐसे उनके ये प्रवचन श्रृंखला है, आप जरूर लेकर जाएं। उसमें चार प्रवचन है, अरहंत देव और उनकी बीत रापता, बाबूजी के ही स्वरों में उनके काव्य है, द्रव्य गुण पर्याय विवेचन, जैन दर्शन एवं समीक्षा, कर्ता कर्म मीमांसा, मुक्ति का विधान, समय सार गाथा सूत्र बाबूजी के स्वर में, और सिद्ध पूजन निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिया, ऐसी सुंदर अद्भुत सिद्ध पूजन वो स्वयं बाबूजी के ही स्वर में, उसका अर्थ है इस सीडी में। इसका नाम रखा गया है चैतन्य वाटिका। और भाग तीन, मान लीजिए ये इस समय उद्घाटन के अवसर पर ये बहुत अद्भुत भेंट होगी, आप इसे अवश्य एक एक अपने घर अवश्य लेकर जाएं। अब बड़ी समस्या हो गई है कि लोग लेकर जाते हैं लेकिन सुनते नहीं है, लेकर जाएं उसे सुने, आप नहीं सुनते हैं तो उसे ले जाकर आप द्रव्य स्रोत का अवर्णवाद कतई ना करें, लेकर जाएं और उसे अवश्य सुने। एक और सीडी यद्यपि हमारे पास आई है वो कल आपको उपलब्ध होगी, श्रीमद राजचंद्र जी के ऊपर है वह सीडी, और वह कल से सभी के लिए यहाँ उपस्थित होगी, सभी परिवारों के लिए निःशुल्क, वो कल उसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा आगामी वक्तव्य के लिए हमारे आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय